नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अप्रैल महीने में जारी होंगे मैट्रिक इंटर परीक्षा के रिजल्ट। अक्टूबर से पटना में डीजल चालित बस ऑटो पर लगेगी रोक। सोन नदी पर छठा पुल बनाने को मिली मंजूरी। इथेनॉल उत्पादन पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। पांचवीं और आठवीं के बच्चे बिना परीक्षा लिए ही होंगे प्रमोट। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालयों में सत्र 2020-21 में पढ़ने वाले पांचवीं और आठवीं के छात्र छात्राओं को बिना एग्जाम लिए ही अगले क्लास में प्रोन्नति दे दी जाएगी, यानी कि उन्हें इस बार परीक्षा में शामिल नहीं होना पड़ेगा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। बता दें कि कोरोना काल में एहतियात के तौर पर प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। करीब एक साल स्कूल बंद रहने के बाद 8 फरवरी से प्राथमिक विद्यालय भी खोल दिए गए। कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं सुचारू रूप से शुरू की गई हैं, मगर इस दौरान बच्चों की पढ़ाई बाधित रही थी, इसलिए कोरोना के चलते पढ़ाई के नुकसान की भरपाई को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। कटक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओडिशा ने निकाली रिक्तियां। कटक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओडिशा ने कोर्ट में ग्रुप डी के 50 रिक्त पदों के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का 8वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं 18 से 37 वर्ष की उम्र सीमा वाले अभ्यर्थी आवेदन भर सकते हैं। इसके लिए किसी तरह का आवेदन शुल्क नहीं दिया जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2021 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट districts.ecourts.gov.in कटक पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा होगी 21 मार्च को। बिहार पुलिस के 8,415 पदों के लिए लिखित परीक्षा अब 21 मार्च को आयोजित की जाएगी। इससे पहले बीते 14 मार्च को बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि 14 और 21 मार्च को आयोजित इस परीक्षा में कुल 11 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। 14 मार्च को ही लिखित परीक्षा के लिए केंद्रीय चयन पर्षद ने 6,30,524 अभ्यर्थियों को ई एडमिट कार्ड जारी किया था, जिसमें 90% परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे। अब 21 मार्च को बाकी के अभ्यर्थियों को परीक्षा दो पालियों में ली जाएगी। आपको बता दें कि परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, गणित और करंट अफेयर्स के कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे गए थे। बिहार पुलिस सेवा में होगी 25,000 नई नियुक्तियां। बिहार विधानसभा में गृह, सामान्य प्रशासन व निगरानी विभाग द्वारा मंगलवार को बजट पेश किया गया, जिसमें ऊर्जा व योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पुलिस भर्ती से संबंधित जानकारियां दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस तंत्र को मजबूत और अत्याधुनिक बनाने की कार्य योजना पर तेजी से काम हो रहा है। इसके तहत आने वाले समय में पुलिस सेवा में 25,000 नई बहाली होने वाली है। इसके तहत सिपाही के 12,000 पदों पर व अवर निरीक्षक के 2,275 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। वहीं सिपाही के 8,415 पदों पर व खेलकूद कोटा के 85 पदों पर नियुक्ति के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह पुलिस अवर निरीक्षक के 1,998 व प्रारक्ष अवर निरीक्षक के 215 पदों पर नियुक्ति के लिए पुलिस अवर सेवा कार्रवाई कर रही है। अप्रैल महीने में आ जाएंगे मैट्रिक इंटर के रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस बार देश में सबसे पहले 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को जारी करने की तैयारी में है। इसके तहत इंटर की कॉपियों की जांच अब लगभग खत्म होने को है, तो दूसरी तरफ मैट्रिक की कॉपियों की जांच भी तेजी से चल रही है। वहीं इस क्रम में बीएसईबी की तैयारी के अनुसार अप्रैल महीने में हर हाल में दोनों परीक्षाओं के परिणाम को जारी कर दिए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि अब तक सीबीएसई, आईसीएसई और देश के दूसरे कई बोर्ड ने अभी तक बोर्ड परीक्षा को आयोजित भी नहीं किया है, जबकि बिहार बोर्ड तय समय पर रिजल्ट जारी कर बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए अगले शैक्षणिक सत्र को भी जल्द शुरू करने की तैयारी में है। सोन नदी पर रोहतास में बनेगा छठा पुल। अब दक्षिण बिहार से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जाना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी पर पुल बनाने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि यह बिहार में सोन नदी पर छठा पुल होगा। केंद्र सरकार की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले सोन नदी पर पांडुका ब्रिज के निर्माण को मंगलवार को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके निर्माण को लेकर 204.24 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस पुल की लंबाई 2.15 किलोमीटर होगी। बता दें कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा, जिसके तहत अगले 3 वर्षों के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा कराए जाने का लक्ष्य है। केंद्रीय टीम के दौरे से दरभंगा एम्स के निर्माण में आएगी तेजी। दरभंगा वासियों के लिए एम्स का सपना अब जल्द पूरा होने की उम्मीद है, क्योंकि दरभंगा में प्रस्तावित बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण की गति अब तेज होने की संभावना है। पिछले सप्ताह ही केंद्र सरकार की एक टीम दरभंगा एम्स के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण करने और तकनीकी समस्याओं के निपटारे के लिए 2 दिवसीय दौरे पर आई थी, जो इसी रविवार को लौट गई। टीम के इस दौरे के साथ ही इसके निर्माण में अब तेजी लाई जाएगी। आपको बता दें कि दरभंगा में प्रस्तावित एम्स का निर्माण दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी
डीएमसीएच के परिसर के समीप ही बनाया जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार एम्स के लिए 75 एकड़ भूमि का स्थानांतरण जल्द ही किया जाएगा। इसके दायरे में आने वाले सरकारी कार्यालयों एवं परिसर को खाली कराया जाएगा। इसके अलावा दरभंगा एम्स को 4 लेन से भी जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि आसपास के जिलों के मरीजों को एम्स के इलाज के लिए पहुंचने पर कोई असुविधा न हो सके। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव करेंगे बिहार क्रिकेट लीग का उद्घाटन। बिहार में क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन 20 मार्च से 26 मार्च के बीच होने जा रहा है। इलाइट स्पोर्ट्स की स्पॉन्सरशिप के तहत इन मैचों का आयोजन होने जा रहा है। वहीं इसे लेकर पटना के ऊर्जा स्टेडियम में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और इलाइट स्पोर्ट्स स्पॉन्सर्स के डायरेक्टर निशांत दयाल की मौजूदगी में ट्रॉफी का अनावरण किया गया। साथ ही बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि 20 मार्च को पटना के ऊर्जा स्टेडियम में लीग का उद्घाटन पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव करेंगे। इसके साथ ही मौके पर मैच का शेड्यूल भी जारी किया गया है। इसके अनुसार इस टूर्नामेंट में कुल 13 मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं पहला मैच पटना पायलट्स और अंगिका अवेंजर्स के बीच खेला जाएगा। पटना में कोरोना को लेकर फिर से शुरू हुए क्वारंटीन सेंटर। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। कोरोना के खौफ को देखते हुए पटना में 6 क्वारंटीन सेंटरों को दोबारा चालू किया गया है। इसमें से 2 सेंटर राजधानी क्षेत्र में है, जबकि 4 सेंटरों को देहात क्षेत्र में शुरू किया गया है। इसके तहत राजधानी पटना के पाटलिपुत्र अशोका में और सगुना मोड़ में संक्रमितों के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बाढ़, दानापुर, पालीगंज अनुमंडल मुख्यालयों में भी क्वारंटीन सेंटर को चालू किए गए हैं। आपको बता दें कि होली के अवसर पर बाहर से आने वाले लोगों में संक्रमण की आशंका बढ़ने के मद्देनजर इसे चालू किया जा रहा है। इथेनॉल उत्पादन शुरू करने पर राज्य कैबिनेट ने लगाई मुहर। बिहार में इथेनॉल के उत्पादन का रास्ता अब साफ हो गया है। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 पर मुहर लग गई है। इसके तहत अब बिहार में गन्ना के अलावा चावल और सड़े हुए अनाज से इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकेगा। इसके साथ ही इथेनॉल को लेकर अलग नीति बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत सरकार राज्य में इथेनॉल उत्पादन की इकाई लगाने वाले लोगों को सुविधाएं भी देंगी। जो लोग इकाई लगाना चाहेंगे उन्हें प्लांट मशीनरी पर अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही विभाग ऐसे लोगों को इथेनॉल उत्पादन प्लांट बैठाने के लिए जरूरी एनओसी और लाइसेंस दिलवाने में भी सहायता करेगा। इथेनॉल उत्पादन नीति के साथ ही रोजगार के कई नए अवसर भी तैयार होने वाले हैं। पटना में अक्टूबर से डीजल से चलने वाले ऑटो बस पर लग सकती है रोक। राजधानी पटना में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार कई कदम उठा रही है। वहीं अब शहर के अंदर डीजल से चलने वाले बसों पर रोक लगाने की तैयारी में सरकार लग गई है। इस क्रम में परिवहन विभाग के सचिव ने मंगलवार को निजी नगर बस सेवा के बस मालिकों के साथ एक बैठक भी की है, जिसके तहत उन्होंने बस मालिकों को निर्देश दिया है कि जल्द ही इन बसों में सीएनजी किट लगवाने की तैयारी करें। सचिव ने बैठक में कहा कि 30 सितंबर के बाद शहर के अंदर केवल सीएनजी किट वाले बसों को ही चलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं सूत्रों के अनुसार यह निर्देश शहर में चलने वाले ऑटो के लिए भी लागू किया गया है, जिसके अनुसार 30 सितंबर के बाद डीजल चालित बसों और ऑटो पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाएगा। अगले 48 घंटों में तापमान में होगी बढ़ोतरी। बिहार में इन दिनों मौसम में फेरबदल की स्थिति देखने को मिल रही है। कभी तापमान में कमी से लोगों को राहत मिलती है तो कभी आंधी बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं अब मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार आने वाले अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में आमतौर पर उत्तर और पश्चिमी हवाओं का प्रभाव देखा जा रहा है, जिस कारण अभी मौसम में कोई बदलाव नहीं होगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान भागलपुर में 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आज से लगाए जाएंगे स्टिकर। बिहार सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है और इस बार संक्रमितों की माइक्रो लेवल पर पहचान की जा रही है। इसके तहत जहां और जिस घर में संक्रमित पाए गए हैं सिर्फ वहीं पर एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, जिससे आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं आए। इसके तहत पहले की तरह पूरे इलाके को सील करके कंटेनमेंट जोन नहीं बनेंगे, बल्कि बहुत छोटे स्तर पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, जिसके तहत जिन घरों को इस जोन में रखा गया है वहां आज से स्टिकर साटना शुरू हो रहा है, जिससे आम लोगों को भी पता चल जाएगा कि वहां संक्रमण का खतरा है। इस काम में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी। वे ऐसे घरों तक जाकर स्टिकर लगाने का काम करेंगी। लोकसभा में उठी बिहार के कोसी महासेतु के नामकरण की मांग। लोकसभा में रेल मंत्रालय के अधीन मांगों के अनुदान पर हुई चर्चा में दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कई मांगों को रखा। इसके तहत उन्होंने कोसी रेल महासेतु का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग की है। साथ ही दरभंगा में बनने वाले सभी रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को शुरू कराने की मांग की है। इस दौरान
दौरान उन्होंने कहा कि मिथिला को एक करने के लिए स्वर्गीय अटल जी ने जिस रेल महासेतु की नींव रखी थी, इस महासेतु का नाम अटल जी के नाम पर होने से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको बताते चले कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कोसी महासेतु का शिलान्यास साल 2003 में ही किया था, जो पिछले ही साल 2020 में बनकर तैयार हुआ है। शराब बरामदगी के मामले में तेजस्वी यादव ने किया खुलासा। बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय के भाई के स्कूल से शराब बरामदगी का मामला इन दिनों बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नया खुलासा किया है। तेजस्वी ने इस मामले को लेकर लिखी गई पुलिस की डायरी को पढ़ते हुए कहा कि इस मामले में मंत्री के भांजे पर भी केस किया गया है। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक इस मामले में इनके भाई और भांजे पर केस हो चुका है, तो 5 महीना बीत जाने के बाद भी इन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। इसके साथ ही तेजस्वी ने बिहार सरकार को एक ओपन चैलेंज करते हुए कहा कि इस साल 1 अप्रैल को शराबबंदी के 5 साल पूरे हो जाएंगे। यदि इससे पहले 1 सप्ताह के अंदर अगर मंत्री के भाई और भांजे को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो राजद सहित पूरा महागठबंधन सीएम आवास का घेराव करेगा। वहीं उन्होंने बिहार के लोगों से ये भी अपील की है कि अगर मंत्री के भाई के परिसर में थाना नहीं खोला गया, तो वैसे लोग सीएम पर केस करें जिनकी संपत्ति शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार ऑटो और बसों में सीएनजी किट लगाने से प्रदूषण को रोकने में कितना मददगार साबित होगा। तो आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार से जुड़े छोटे बड़े खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।